एक बड़ी टास्क थी मेरे पास सामने, सिर्फ 5 to 6 months थे स्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट से मैं आउट हो गई थी. मैंने तो उस वक्त सोच लिया था कि मैं शायद लायक ही नहीं हूँ इस सब के. हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार. आज मैं मिलाना चाह रहा हूँ एक प्यारे से बच्चे से जिसने स्टैंडिंग में 26th रैंक निकाला है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाकर अपने आप को प्रूव किया है. वो एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी ना, जो सभी की सुनता है वो कुछ नहीं करता है, जो एक की सुनता है वो सब कुछ पा लेता है. यही स्टोरी है हमारे एक प्यारे से बच्चे रिंकी जैन की, जिसका रैंक 26th है. तो चलिए कैमरा सीधा रिंकी की तरफ और चलिए शुरू करते हैं. हाय एवरीवन, माय नेम इज रिंकी जैन एंड आई एम फ्रॉम द हिस्टोरिकल सिटी पानीपत हरियाणा. And currently, I am working in Ministry of Information and Broadcasting. और अभी SSC Stenographer 2023 exam में मेरी All India rank 26 आई है. और मुझे Ministry of External Affairs allot हुआ है. तो आपने जब इस paper की तैयारी की तो distractions नहीं आए? मतलब यही paper क्यों? Steno is also a tough task जिसमें steno भी आपको आना चाहिए. तो वो भी एक challenging हो जाता है आपके लिए. Yes sir. एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग SSC CGL से की थी, बट SSC CGL की मुझे कुछ खास गाइडेंस मिली नहीं क्योंकि मैं एक अकेली थी. मेरे अराउंड भी कोई था नहीं जो गवर्नमेंट जॉब में है. मेरे पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है, तो SSC CGL की गाइडेंस मिल नहीं रही थी उस वक्त. तो एक फ्रेंड है मेरे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि SSC Steno है. तो वो उस वक्त उन्होंने मुझसे अपना फॉर्म फिल करवाया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है. तो वो नेक्स्ट डे मुझे कोचिंग पे ले गए, उन्होंने कोचिंग दिखाई मेरे को, तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी स्टेनो, थोड़ी अलग सी. तो मैंने सोचा इसकी प्रिपरेशन करती हूँ. मैंने उनकी गाइडेंस की हेल्प से मैं अपनी बुक्स वगैरह ले आई और स्टार्ट कर दिया. तब मैंने एक लोकल कोचिंग ही मैंने ज्वाइन की थी ऑफलाइन, बट 3 months ही हुए थे कि कोरोना आ गया था मार्च में. तो जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो बंद हो गई. तो फिर 3 months ऐसे ही पास हो गए कि अब क्या करना है, कहाँ से कौन से टीचर से पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो तभी किसी ने ऑनलाइन कोचिंग का रिकमेंड किया. मैंने थोड़ा सा और सर्च किया उसके बारे में, मुझे अच्छा लगा, थोड़े डेमोज वगैरह लिए मैंने. तो फिर मैंने कैरियर विल की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली जून में, अराउंड जून में. तो आप ऑफलाइन तो कुछ समय पढ़े हैं? हाँ, ऑफलाइन में 3 months गई थी. तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन लगभग दोनों का आपको मतलब आइडिया है? आपका मतलब दोनों में से किसका मतलब ज़्यादा मतलब फैसिलिटी लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है? मुझे ऑनलाइन, मेरे को ना ऐसा लगा, पहले तो लगा कि कोरोना आ गया, मेरा टाइम खराब हो गया. बट विद टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये अच्छा हुआ जो भी हुआ. बिकॉज ऑफलाइन में एक तो ना मुझसे थोड़ी दूर थी वो, तो अबाउट 30-40 minutes का मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो मेरा वो ट्रैवलिंग टाइम वहाँ पर बच गया काफ़ी ज़्यादा. और कभी कभी बीमार हो गई तो वो क्लासेस मुझे दोबारा मिलती नहीं थी, तो मिस हो जाती थी. ये सबसे बड़ी तो बात है. ऑनलाइन में ये है कि मैं दोबारा क्लासेस देख सकती हूँ अपने मल्टीपल टाइम्स. अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं उसको बार बार देख के रिवाइज कर सकती थी. तो मुझे ये बेनिफिट मिला ऑनलाइन ज्वाइन करने का. हाँ जी, तो फिर मैंने जून में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की और अबाउट नवंबर में मेरा एग्जाम था. तो वो 5-6 months की जो प्रेपरेशन थी उसमें जितना भी मेरा सिलेबस हो पाया कंप्लीट, मैंने उसके साथ अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एग्जाम दिया कि बस क्रैक कर ही लूंगी मैं इस बार. इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एग्जाम दिया था और फॉर्चुनेटली मार्क्स भी मेरे अच्छे आए. मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना प्री क्लियर किया. और फिर अब आती है बारी स्टैनो की, जो स्टैनो अपने आप में ही बहुत बड़ी डील है. बच्चों को एक एक साल लग जाता है उसको सीखने में, स्टैनो को सीखना ज़्यादा चैलेंजिंग. यस, तो अब वो एक बड़ी टास्क थी मेरे पास सामने, सिर्फ 5 to 6 months थे स्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए. तो 10-11 hours दिन में मतलब बस खाना खाना है, कोचिंग जाना है सुबह सुबह, और पूरा दिन कोचिंग पे, बस बीच में एक चाय का और लंच का ब्रेक लेना है, फिर घर आके फिर स्टैंडो. तो फिर वो 5-6 months जो मुझे मिले, मैंने उसमें स्टैंडो की प्रेपरेशन की और फॉर्चुनेटली मैंने स्टैंडो भी क्लियर किया उन 5-6 months में. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट से मैं आउट हो गई थी अबाउट 3-4 marks से. वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो गया. तो मम्मी ने उस वक्त मुझे समझाया कि कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो अगर तुझे मिल भी जाता तो शायद तुझे बहुत दूर भेज देते, साउथ में पोस्टिंग हो जाती. सब फैमिली का बड़ा अच्छा रोल लेता है, मतलब कई जगह जब आप डिप्रेशन में आते हो तो फैमिली सपोर्ट करती तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती. मैंने तो उस वक्त सोच लिया था कि मैं शायद लायक ही नहीं हूँ इस सब के. तो मम्मी ने उस वक्त समझाया कि अगर तू पहली बार में कर सकती है तो फिर से कोशिश कर. तो मैंने फिर से एक और ट्राई दिया, फिर से अपने नोट्स रिवाइज किए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से गलती ये रह गई कि तब मेरा सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था ऑलमोस्ट अबाउट. मैं टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैंने टेस्ट प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट लगाए और रिवीजन की, मल्टीपल रिवीजन की.
तो इस बार फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स मिला, डीओपीटी। अरे डीओपीटी CSSS दिल्ली पोस्टिंग। डीओपीटी में भी क्या है, प्रोफाइल क्या आपका? मैं स्टेनोग्राफर। नहीं नहीं, मतलब वहाँ क्या संभालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे इस चीज़ के बारे में कि प्रोफाइल क्या होती है। जैसे नाम तो बता दिया, लेकिन वहाँ करना क्या होता है? सर बेसिकली जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज में, जो हाई रैंक हमारे ऑफिसर्स होते हैं, लाइक IAS हो गए, डायरेक्टर्स, अंडर सेक्रेटरी, ये सब जो हाई रैंक ऑफिसर्स रहते हैं, इनको ऑफिशियली असिस्ट करना होता है हमें उनके पेपर वर्क में, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ तो मतलब एक्चुअल में ये काम इतना नहीं करते जितना काम आप इनके लिए करके तैयार देते हैं, राइट? ये सर वो अपने उनके अदर वर्क्स में काफ़ी वो प्लानिंग में बिजी हैं, अदर थिंग्स में, तो उनका अदर वर्क हम करते हैं, मतलब कि वो टाइम टू टाइम अपना वर्क कर पाए तो हम बैक। अच्छा, लेकिन आपकी एज कितनी है, मुझे जानना है। सर अभी मेरी 24 एज है। 24, कब से तैयारी शुरू की थी आपने? मैं 21 की थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और 22 में मैंने अपना ये मेरा स्किल दिया था मैंने, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फिर 23 में मेरे को अपनी फर्स्ट जॉब मिली। 21 में तैयारी करी शुरू, और लॉकडाउन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आई, और फिर उसके बाद 23 में लगभग पहला पेपर आपका क्वालिफाई हो गया था, राइट? यानी कि लगभग 2 साल में आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए। फिर अभी 24 में मेरे को MEA मिल गया। नाइस, ये तो अच्छी बात है, MEA मिला आपको। तो बच्चों के लिए कोई खास ऐसा मैसेज, जो खासकर लड़की हैं जो ये मतलब सोचती हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई खास आपकी तरफ से मैसेज? सर गर्ल्स की लाइफ में ना एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो मेरे लिए आया, कि ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं होने वाली होती, पीछे से प्रेशर आ जाता है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे तो ट्रेंड है अर्ली मैरिज का गर्ल्स की, तो वो ट्रेंड मैंने भी फेस किया, मुझ पे भी प्रेशर आया कि इसकी शादी कर दो, क्या करना आगे पढ़ा के, शादी के बाद पढ़ लेगी, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट होता है शादी के बाद। ये सवाल मेरे दिमाग में था, बिकॉज आपका नाम मैंने जब सुना रिंकी जैन, एक तो ये नाम, एक तो जैन फैमिली बनिया फैमिली होती है, राइट? तो उसमें तो गवर्नमेंट जॉब का दूर दूर तक नहीं सोचा जाता। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ सर, ये फर्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। फिर एक दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि आपने कहा कि आपके मतलब पापा बिजनेसमैन हैं, तो ये तो बिल्कुल दो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस हो गई कि जो आपको किसी तरह से भी जॉब के लिए नहीं, फिर कैसे काउंटर किया इस चीज़ को? सर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, पीछे से सब क्या ही रहते, क्या करना है इसको जॉब करके, शादी कर दो, अच्छी फैमिली मिल जाएगी, क्या ही करना है जॉब का। बट मैंने अपने अराउंड इतना पैट्रियार्कल एनवायरमेंट देखा है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं जॉब लूंगी तो ही शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो आगे से भी कुछ आता था तो मम्मी यही कहती थी सब, मम्मी जी थैंक यू, आपने एक बहुत अच्छा बच्चा तैयार किया जो एक ऑफिसर बना। मम्मी जी फिर से थैंक यू, ठीक है? अगर मम्मी भी स्टैंड नहीं लेते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। ये तो पॉइंट है, देखो दुनिया में कोई भी आपको सपोर्ट करे, एक तो आपका गुरु जो आप पर विश्वास करता है पहले दिन से, और एक तो आपका गुरु और दूसरा आपकी फैमिली, मतलब यही दो ऐसी पॉजिटिव फोर्सेस हैं जो आपको कभी रुकने नहीं देती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने, मम्मी ने आपको सपोर्ट किया। इसके अलावा कोई नेगेटिविटी लाइफ में आई हो, जब कि भाई खूब पढ़ाई कर रहे थे लेकिन हालात ख़राब हुए, जैसे आपने एक पेपर बताया कि वहाँ पर आप किसी परसेंटेज की वजह से आउट हुए थे, उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्सेस? नहीं सर, बाकी सब अच्छा था। तो आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सारी चिड़ी नहीं है, तू तो लगी गवर्नमेंट जॉब? हम मेरे तो को बल्कि उनको देख के काफी डीमोटिवेटेड फील होता था। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी, तो उन सब ने MSc में एडमिशन ले लिया, मेरे को सबने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, कि MSc में तो एटलीस्ट एडमिशन ले ले, गवर्नमेंट जॉब इतनी इजीली मिलती नहीं है। बट मैं एक फोकस रहना चाहती थी एक चीज के लिए, मैंने सोचा था कि अगर मैं MSc करने गई बाहर तो मैं वहाँ पे फ्रेंड्स बनाऊंगी, या फिर मतलब थोड़ा वहाँ के भी फेस्टिवल्स होंगे, फेस्ट होंगे, या फिर उनके भी असाइनमेंट्स होंगे करने होंगे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो मुझे वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी। तो मैंने ड्रॉप ले लिया, तो वो उधर वो अपनी MSc वाली पोस्ट डालते थे अपने लैब्स की, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सच में बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आपके साथ के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आप कहीं एक जगह पर रुक कर तैयारी करते हैं, तो वेरी चैलेंजिंग। मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी जाती थी, कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ कोई मस्ती नहीं हो रही, मैंने अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया था। माय गुडनेस, तो बिल्कुल एकदम फोकस होके सब कुछ छोड़ के अपना करना था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया, मेरे को
इनको देखना ही नहीं है, अपनी पढ़ाई करनी है, जो होगा जो होगा। देखो भाई, आप लोगों के जिनके भी दोस्त है ना, अपने दोस्तों को समझा दो कि जिस मतलब युद्ध को आप लड़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत लंबा सफर है, राइट? आपको साल नहीं, दो साल भी लग जाते हैं कई बार, कभी किस्मत होती है, कभी वो टाइमिंग होती है जिसकी वजह से आपका मतलब सफल होना, असफल होना नेचुरल हो सकता है। तो अपने दोस्तों को समझा लो, भाई मैं अपनी स्ट्रगल में लगा हूँ, नहीं तो ऐसे दोस्तों को मैं तो कहूँ एक दो साल तक ठाके ब्लॉक कर दो। गलत तो नहीं कह रहा सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने से मना कर देती थी कि नहीं मुझे नहीं आना। सी दिस, कि इस बच्चे को भी मतलब डिमोटिवेट किया है। तो खैर, फिर अब मतलब क्या आपका ग्रेड पे क्या है? अभी मैं 2400 ग्रेड पे हूँ। तो मतलब आगे सीजीएल की तैयारी करेंगे आप? यस सर, स्टेनो की भी, सीजीएल एंड अदर एग्जाम्स, वेरी गुड, हायर पोस्ट्स। वेरी गुड। तो मिठाई उठाई आई है मेरी? यस सर। मिठाई खाएंगे भाई, ठीक है, फिर चाय पियेंगे आप सभी के सामने। लाओ भाई मिठाई खिलाओ। अरे ये है हमारे पास पानीपत की मिठाई, राइट? दिल्ली की है। अच्छा, दिल्ली की है, मेरे ऑफिस के पास है सर। देखो ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात होती है, सिलेक्शन लेकर आना, अपने गुरुओं को याद रखना। स्टेनो के बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी हैं। मैंने आपको लास्ट ईयर भी मैंने आपको थैंक यू बोला था इंस्टाग्राम पे, और इस बार भी सबसे पहले आपको थैंक यू बोला था। सो नाइस ऑफ यू। देखो बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं और वो मैसेज कर देते हैं, हम उनको चाय पर भी कहते हैं कि बेटा चलो आओ चाय पियेंगे, आपके साथ बातें करेंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी सभी बच्चों को सुनाएंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते हैं, खैर उससे इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपके साथ मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? अब उस मेहनत को, उस मतलब स्टोरी को आप साझा करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, नहीं साझा करना चाहते तो भी आपकी चॉइस होती है। लेकिन जो आपसे कैमरे पर नहीं पूछा जा रहा, अगर आपसे कोई बच्चा आकर पूछता है कि मतलब आपने किससे तैयारी की या किसकी गाइडेंस में आपने तैयारी की, तो उसको ज़रूर सच बताना, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश आप हमारे साथ नहीं मिलकर चाय पीना चाहते, अलग चीज़ होती है, लेकिन कम से कम जो आपके आसपास बच्चा तैयारी करना चाहता है उसको मिसगाइड मत करना। क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपका रैंक 8 आया है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को गाइड करने के बाद वो सही जगह से पढ़ाई करके रैंक 1 लेकर आए, उस दिन आपको ये महसूस होगा। तो चलिए ये मिठाई सबसे पहले आपकी, और आपकी मम्मी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आप पर बहुत सारा विश्वास किया। भाई ये काजू कतली मेरी गाड़ी में रख देना, सारी मैं खाऊंगा, ठीक है ना? चलिए थैंक यू सो मच गुड़िया, और अच्छा लगा। कोई और खास बात आप बताना चाहते हैं अपने बारे में, या पढ़ाई के बारे में, नोट्स कैसे बनाना है, कुछ भी चीज़ जो बच्चे मतलब डेफिनेटली फॉलो करें? यस सर, मैंने बेसिकली इंग्लिश के लिए तो मैं सबसे पहले मैंने फॉलो किया, मैंने इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलती थी कि एक मेरा ग्रामर पोर्शन है, एक मेरा रोट लर्निंग वाला पोर्शन है। फॉर द ग्रामर पोर्शन मुझे पता था लेक्चर्स देखने हैं, मैंने लेक्चर्स देखे और उसके नोट्स खुद ही बनाती थी मैं हमेशा। मैंने अपने नोट्स बनाए और आप लेक्चर्स के एंड में एक्सरसाइज कराते थे, तो मैं वीडियो पोस्ट करके वो एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश करती थी। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो पहले मैं अपने नोट्स को रेफर करती थी, रूल्स को रिवाइज करती थी, उसके बाद फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आपसे समझते थे, फिर तो आ ही जाता था। तो ऐसे मैंने अपना ग्रामर पोर्शन कवर किया, चैप्टर वाइज लेक्चर किए और फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, अबाउट 100-150 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिया। दूसरी तरफ मैंने साइड बाय साइड डेली अपना टारगेट्स रखा था कि मुझे 100 वोकैब्स करनी है, 50-60 इडियम्स करने हैं। तो उसके लिए मेरा एक रिवीजन की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि लाइक मैंने एक्स डे पर 100 वोकैब्स की, तो एक्स प्लस 1 डे पर मुझे पहले वो 100 जो वोकैब्स हैं, प्रीवियस 100 वोकैब्स, उनको रिवाइज करना है एंड देन नेक्स्ट 100 याद करनी है। तो ऐसे ही एक्स प्लस 2 जो डे आता था उस पर 200 डिवाइस किया। तो चाहे रिवीजन में टाइम आप ज्यादा ले लो, बट रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन के बिना, मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस प्लस रिवीजन, पेशेंस प्लस रिवीजन। वो बोरिंग लगता है कि बार बार उनको रिवाइज करना, बट वो फ्रूटफुल रहता है। तो इसलिए वो वोकैब्स मुझे इतने अच्छे से इंस्टॉल हो गई हैं अपने माइंड में, तो वोकैब में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसे ही चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट किए और फिर जितने भी मेरे पास PYQs बुक्स थी उनकी मैंने एरर प्रैक्टिस की, मैंने इतने किए और डेली बेसिस पे किए, यानी कि एक बार करके खत्म कर दिए। डेली बेसिस 50-60 ऐसे प्रैक्टिस करो तो रूल्स भी रिवाइज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहते हैं। तो इस तरह मैंने अपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंस और रिवीजन दोनों चीजें मैटर करती हैं। yes, तो एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहता हूँ आपसे। yes,
बताओ बच्चों क्या हो सकता है? मांग लूं एक गाड़ी? नहीं गाड़ी ही मांगना चाह रहा हूं बच्चों, और इस बच्चे से मैं एक छोटी सी चीज मांगना चाह रहा हूं, और वो ये है कि ये बच्ची अगली बार एक सरकारी गाड़ी में मुझे फिर से मिलने आए, चाहे तो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आए या फिर एक अच्छा इंस्पेक्टर पोस्ट क्वालिफाई करके आए। और ठीक है वायदा? यस सर। पक्का? यस सर। तो चलो एक छोटा सा प्रॉमिस हो गया, ये बच्ची एक अच्छी और अच्छी मतलब जॉब के लिए अपनी तैयारी करेगी, बिकॉज शी इज स्टिल 24 और ये 21 एज से तैयारी कर रही है, तो डायमेंशंस खुल चुके हैं कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटजी बनाना आपका अपना काम होता है, मेरे बताने से स्ट्रेटजी बनाना कोई सेंस नहीं होगा। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से बांटो, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों को अपने टीचर से हर दिन की क्लास में पूछो, हर दिन की क्लास की लाइव क्लास में टीचर से पूछो क्या इसको कैसे रिवाइज किया जाता है, टीचर आपको हर दिन आपको गाइड करेगा। और तो ये वायदा पक्का हुआ? Yes, sir. एक सरकारी गाड़ी में आप आएंगे Yes. दोबारा से मिलने? ठीक Yes, है, तो चलिए इसी बात के साथ थैंक यू कहते हैं, और थैंक यू आपकी मम्मी का, आपके पापा का, जिन्होंने आपको वो एनवायरनमेंट दिया, आपको पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखा। चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।